हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी तो यार मॉर्निंग का टाइम हुआ है, काफ़ी काफ़ी टाइम है अभी तो। अभी 4:30 हो गए हैं और हम लेटे हुए हैं आराम से, रूम हीटर चल रहा है सर। कोचिंग भी निकल रहा है, आज संडे है, लेकिन संडे को भी एक बैच है क्योंकि उनका टेस्ट होना है आज, तो उनका टेस्ट लेंगे बच्चों का। बड़ी क्लास के कुछ बच्चे हैं, 8th 9th के बच्चों का टेस्ट है। ठीक है गाइस, तो फिर उठते हैं, क्या करें बस, फिर निकलते हैं अपनी ज़िंदगी के संघर्ष के साथ। तो लाइफ का तो यही है, फिर उठो, फिर जागो, फिर लग जाओ, और फिर रात को फिर सो जाओ, फिर सुबह हुआ तो फिर निकल जाओ। तो गाइस, आई एम रेडी फॉर गोइंग टू कोचिंग। एंड बाहर तो आउटसाइड तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी है, चलते हैं कोचिंग के लिए वरना लेट हो जाएंगे। और बच्चों का टेस्ट लेना है, कैसा क्या उनका परफॉर्मेंस है देखते हैं। तो गाइस चलते हैं, बाहर का कुछ सीन है। ये रखिए अपनी राम प्यारी। पीछे बाड़े में तो दादाजी ने बढ़िया से आग जला के रखी है, अब यहाँ सेकने का टाइम नहीं, निकलते हैं तेरा कोचिंग के लिए, लेट हो जाएंगे वरना। और गाड़ी की चाबी, अभी कोई राय है यार सुबह, पीछे बाड़े में तो यहाँ का वेजिटेबल मार्केट, सारी सब्जियाँ लेकर आया हूँ, ये सारी वेजिटेबल्स। तो बाजार से सब्जियाँ लेने के बाद अभी सीधे घर पे आए हैं। विदाउट एनी कैरी बैग के मैं पूरे सभी को एक दूसरे से बांधकर आराम से। तो गाइस, इसके बाद मुझे अभी निकलना है शॉप के लिए, बट उससे पहले थोड़ा। तो गाइस, बाहर का मौसम तो आज काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और पीछे का लुक लाइक देखो, काफ़ी सूरज भगवान तो आज प्रसन्न है, काफ़ी तेज़ी से निकले हुए हैं। और काफ़ी अच्छा नज़ारा है आज, रीज़न ये है कि अच्छा से धूप निकली है, तो धूप में खड़े होने में आनंद आ रहा है अभी तो, गर्मियों में इस टाइम में तो भागना पड़ता है। चलते हैं अब शॉप के लिए, यहाँ भी बहुत तेज़ धूप है यार, सूरज भगवान देख ही नहीं रहे ढंग से। गायत्री मंदिर है सामने, ये रास्ता जाता है नीचे जाने के लिए। गाइस, तो अभी मुझे घर पर निकलना है और मैं जा रहा हूँ अभी घर, क्योंकि कुछ काम है अभी घर पर, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए घर जाएंगे, फिर लौट कर आते हैं शॉप पर, अभी शॉप पे थे। इससे अभी टीवी की रिपेयरिंग करवाते हुए, टीवी को बुखार हो गया था, भैया रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो अभी हम वापस आ गए हैं घर पे और टीवी सही हो गई है फाइनली, और ये चल रही है हमारी टीवी। ठीक है, हम लोग टीवी सही कराने गए थे और मेरे साथ गया था मेरा भाई सिर्फ, और इस टीवी को जब मैंने नया परचेस किया था तब भी हम ही दोनों गए थे और इसको परचेस करके लाए थे। ठीक है, और वो भी मोटरसाइकिल से। पीछे देखिए बॉस की पार्टी चल रही है, ये भाग रहे हैं ऊपर, तो हम ऊपर ही चलते हैं। तो गाइस, अभी दुकान पे वापस निकलना है क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं शॉप से, समथिंग मैं 1 घंटे 2 1.5 घंटे से गायब हूँ, और बाहर
बाहर आ गई हैं गौ माता जी, तो इनके लिए पहले इन्हें खाना खिलाते हैं फिर जाते हैं। देखिए वो खाना मांग रही है, खिला रहे खिला रहे। अरे मारो मत, आज ला रहे। ये गाय मुझे देख के ही आ जाती है, बाइक की आवाज सुनी हुई गाय तुरंत दौड़ के मेरे पास आती है। को छोड़ने के लिए सिर को, क्योंकि सिर को पिकअप वहाँ पे ड्रॉप करना है घर पे, तो चलते हैं। सुबह हम गुड नाइट, अच्छी से गुड नाइट। हाँ क्या, और राम प्यारी रखी यहाँ पे, बाद यहाँ पे बालू रख दिए तो निकलना पॉसिबल नहीं हुआ। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ शॉप पर, और आज तो आरती हो गई है, मैं आरती में सम्मिलित नहीं हो पाया क्योंकि वो टीवी भी के चक्कर में वहाँ पे रहे, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया। तो वहाँ पे देखा था फिर से वही का वही इशू था जो पहले था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम फिक्स हुई नहीं थी। फिर दोबारा गए उनके पास टीवी को लेके, तो दोबारा उन्होंने सही किया, तब जाके फ्री होने के बाद मैं आया हूँ। बाहर का पूरा मार्केट क्लोज हो चुका है और मंदिर की आरती हो चुकी है, शॉप की आरती हो चुकी है, अब मुझे निकलना है घर के लिए। तो शॉप को बंद, शॉप को बढ़ाते हैं फिर चलते हैं घर। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और मुझे आपको जैसा पता है कि मेरी सारे दिन की भागदौड़ खत्म होती है इसी स्वीट हाउस में। तो गाइस यार मुझे दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ना ही मैं अपनी ज़िंदगी को दिखावे की ज़िंदगी में जीता हूँ, जो मेरी लाइफ में रियलिटी है वो तो है। और दूसरी चीज़, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को अपना दिखावा बताने की कि ऐसा और वैसा। और जब मुझे ज़िंदगी में कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे लिए कभी कई लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अपना व्यवहार संबंध सब मैं ईमानदारी से निभाता हूँ और बनाता हूँ, तो मुझे दिखावट की कोई आवश्यकता नहीं है। और रहा जहाँ तक ब्लॉगिंग की बात, तो ब्लॉगिंग एज ए इंटरेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अपनी लाइफ के कुछ महत्वपूर्ण जो मेरे ज़िंदगी के भाग हैं मैं उसको इसमें कैमरे में कैद करता हूँ, जिसको मैं कभी भी कहीं भी देख सकता हूँ और अपने स्ट्रगल को महसूस कर सकता हूँ फिर से कि मैं क्या स्ट्रगल से निकल के आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो गाइस फिर अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अपने किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।